निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों, तेरे बिना जीना सजा लगे, तेरे बिना जीना सजा लगे, देनी थी नफरत ये तो अपना बनाया क्यों, दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, ना इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहेंगे आज एल्बम जो शूट हो रहा है उसके बारे में? हेलो गाइस, मैं हूँ बॉलीवुड सिंगर रानी इंद्राणी शर्मा। आज हमारे प्रोडक्शन हाउस है प्लैनेट नाइन प्रोडक्शंस, उसके तहत एक बहुत ही बढ़िया सा सॉन्ग जिसका नाम है लम्हा लम्हा, उसका शूटिंग चल रही है। और शूटिंग में आप सभी जितने भी मीडिया पर्सन है सबका मैं बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप सब आए और पूरा कवर किया हमारे जितने भी सॉन्ग के मतलब शूटिंग वगैरह हो रहा, आपने आप लोगों ने इतने इंटरेस्ट लिया, हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलते हैं आप सभी को। और इसी तरीके से आते रहिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लैनेट नाइन प्रोडक्शंस के तहत बहुत सारे गाने हमारे शूट होते हैं और आते रहते हैं, और आज जो सॉन्ग है लम्हा लम्हा वो गाया है अनन्या वाडकर जी ने, और ये सॉन्ग के मेन लीड है शीतल काले और शकीब अली, और प्रोड्यूसर है श्री अश्विनी कुमार गुलाटी जी, और ये मन गुलाटी, और मैं प्लैनेट प्रोडक्शंस में पार्टनर है, और मैं एज ए बॉलीवुड सिंगर हूँ और प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड स्टोरी टेलर हूँ सब। तो बताइए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप गुलाटी जी क्या कहना चाहिए इस जो प्रोजेक्ट है इसको लेकर, आप को प्रोड्यूसर हैं, क्या कहना है इस गाने को लेकर, क्या उम्मीदें हैं, स्टार कास्ट क्या क्या है इसकी? हाय, मेरा नाम है मन गुलाटी और मैं प्लैनेट नाइन प्रोडक्शन से पार्टनर, मैं प्लैनेट नाइन प्रोडक्शन का पार्टनर हूँ। और ये सॉन्ग जो हम शूट कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर, ये अनन्या वाडेकर जी के ने गाना गाया है, और ये एक रोमांटिक सॉन्ग है, और काफ़ी अच्छा सॉन्ग जो लगा इसमें। हमारे जो आर्टिस्ट हैं शीतल काले हैं, जो एक अच्छी अभिनेत्री हैं, और साथ में साथ दे रहे हैं शाकिब अली जो एक अच्छे एक्टर हैं, उनकी कुछ अपकमिंग मूवीज़ वेब बॉलीवुड मूवीज़ और सब उनने एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा अच्छा काम किया हुआ है। और कहना ये चाहूँगा सिर्फ हमारे व्यूवर्स के लिए कि ये गाना बहुत अच्छा सॉन्ग है, एक अच्छे स्टार कास्ट के साथ आ रहा है, अच्छे बोल हैं और अच्छे सिंगर ने गाया है। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप उसको लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लान प्रोडक्शंस को प्यार करें, सब्सक्राइब जरूर करें। समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें गुलाटी जब बदलती जाती हैं, अभी आपने इस एल्बम में क्या नया किया है जो लोगों को लगे यार ये नया है, इसको देखना चाहिए? देखो, अब मैं आपका सवाल समझाने की दोबारा बताएंगे, समय के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं जी, नई नई चीज़ें आ रही हैं जी। क्या एक्सपेरिमेंट किया है इसमें आपने, जो अगर हम आपसे पूछे हम क्यों देखें इस एल्बम को? देखिए सर, एक बात बताऊँ कि कभी भी समय के अनुसार चीज़ें तो बदलती हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात, बट क्या है कि प्यार का भी हमेशा एक जैसा ही होता है, हर एक का ना फीलिंग एक अलग होती है। इसमें फीलिंग है, इसमें वर्ड्स हैं, इसमें एक दूसरे का जो तकरार है और दूसरे से जो प्यार होता है और किसी को पता नहीं होता, तो उसका थोड़ा सा फील है, उस फील को मैंने थोड़ा सा अलग वे में दिखाने की कोशिश की, बस मैं इतना ही। आप पंजाबी है और एल्बम और पॉप सिंगर की बात आती है, पंजाबी सबसे आगे रहते हैं, तो आपने क्या पंजाबी से एंट्री नहीं मारी इसमें? पंजाबी की है ना, मैंने पंजाबी सॉन्ग्स नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं किए, पंजाबी भी किए, बट क्या है कि एक ना रोमांस जो है वो हिंदी में जो रोमांस है ना उसका फील ही है, तो हिंदी का रोमांस और पंजाब का रोमांस में फ़र्क आया था, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी रोमांस को धीरे धीरे आगे और बढ़ाया जाए, और क्योंकि वो अब से नहीं है, वो कई पुस्तों से चलता हुआ। बात करते हैं आपकी कंपनी के बारे में दोनों से, तो क्या क्या और प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके, या फिर OTT क्या चीज़ें लाने वाले और नहीं? अभी हम लोगों का प्लान है एक छोटा OTT हम लोग अपना ट्राई कर रहे हैं कि उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, हम अपना OTT लेकर आएंगे। सेकेंडली कुछ मूवीज़ के लिए प्लानिंग है, अपकमिंग मूवीज़ आ रही हैं, दो तीन वेब सीरीज हैं, वो काफ़ी सारा काम चल रहा है, लेकिन मेनली हमारा फोकस है म्यूज़िक वीडियोस, क्योंकि जैसे कि रानी जी सिंगर हैं, बॉलीवुड सिंगर हैं, काफ़ी अच्छा गाना गाती हैं अभी, तो ये मेरा एज अ म्यूज़िक में जो सपोर्ट मेरे को मिलता है, बट ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा मैं म्यूज़िक कर सकूँ।
सेकंड हमारा स्टेप रहेगा कि हम जो ओटीटी, क्योंकि डिजिटल मैं बहुत अच्छा जानता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ओटीटी के लिए एक नए कंटेंट और क्रिएशन लाएं। मार्केट में लोगों का काफ़ी सपोर्ट है, लोग जानते हैं हमें, तो हमारा कंटेंट भी बढ़ा। एक लाइन गुनगुनाएंगे ये जो गाना शूट हो रहा है, कुछ लाइन है आप? मैंने एक्चुअली ये सॉन्ग गाया नहीं है, बट मैं मेरा अपना सॉन्ग मैं गाना चाहूँगी, जो प्लेनेट प्रोडक्शन से बहुत हिट चल रहा है। एंड ये सॉन्ग के इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत बढ़िया बना है, मोर देन 7 लाख जो है रील्स बने हैं, और यूट्यूब पे आप अगर देखने जाओ तो ये 11 मिलियन क्रॉस कर चुका है। सो हमारे लिए नया उपलब्धि है, एक न्यू फीलिंग है, एक नई सोच है, नई उड़ान है। तो सॉन्ग सैड है, मैं आपको ये सॉन्ग दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया, क्यों ये मेरा गाया हुआ गाना है, मैं ये गाना आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों, तेरे बिना जीना सजा लगे, तेरे बिना जीना सजा लगे, देनी थी नफरत ये तो अपना बना, तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, न इश्क निभाना था तो इश्क सिखाया क्यों। थैंक यू, हमसे बात किया। मैं देव जोशी, इस गाने का कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर बोथ। मैं डीयूपी, इसके अपने गाने के इस कंपनी के डीयूपी हैं। किस तरह का गाना है सर ये? एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जो मोस्टली हम सब ने कभी फील किया होगा कि कई बार हम लोग बहुत, ये 90s का बहुत एक फ्लेवर रहा है कभी, कि कभी लड़कियां कभी बोल ही नहीं पाती थी अपनी मन की बात, जो स्टिल अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, जो वन साइड लव सोच के रहते हैं कि हाँ उनको भी बोल दें, इस तरह का सॉन्ग है, और अपनी मन की फीलिंग्स को अंदर दबा के रखते हैं, लेकिन इन लास्ट फीलिंग्स ट्रू लव होता है वो हमेशा सामने आता है, और इस तरह से ये इस गाने को हम लोग दिखाया गया। क्या क्या पुरानी प्रॉपर्टी की बात करें, 90 का बताया है कुछ, क्या प्रॉपर्टी लेटेस्ट दिखाई है आपने, क्या पुराना कुछ? ये हमारे फील 90 का है, लेकिन मेकिंग इसका 2023 का चल रहा है, लेकिन लेटेस्ट एकदम, क्योंकि प्यार कुछ भी हो, सच्चा प्यार जो होता है ना, वो चाहे वो टाइम में हो चाहे ये टाइम में हो, बस उसमें एक ईयर्स का फर्क होता है, लेकिन बाकी उसमें फीलिंग्स वही होती है। पुराने गाने की बात करें, सोन ये हीर ये गाना आया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, कम से कम बजट में वर्डिंग अच्छे थे बहुत, तो उसको लेकर बहुत सारे एल्बम भी बने। जी, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर, मतलब अगर वैसी थीम है एक तरह से? यस, हाँ, तो सर वो टाइम पर मानते वो सोनी हीरे का वन ऑफ द बेस्ट, बहुत बड़ा गाना उस टाइम हुआ करता, तो कोशिश हमारी सर वही है कि जो आज के टाइम में जो ये इनोसेंस लव जो होता है वो खत्म हो चुका है बहुत ही, आजकल प्रैक्टिकली और चीज़ें अभी वो वैसी नहीं है जैसे पहले, अभी मोस्टली लव चैट्स ओवर द फोन पे हो गए, सब कुछ हो गया उस पर, लेकिन आज के टाइम में हम लोग इसमें दिखाया है कि फीलिंग्स, वो सच्ची फीलिंग्स आज भी जिंदा है, अगर हम उसको दिखाएं पर्दे पे, अगर हम वो दिखाएंगे शायद वो चीज़ें वो आज की न्यू जनरेशन है उसको फॉलो करें, वो नहीं कि वो फोन पे ले और वही होता है चैटिंग वगैरह खत्म हो जाए। आज भी पुराने गानों को रिमिक्स करके या पुराने गानों की तर्ज पर या पुराने सिंगर को दोबारा काम दिया जा रहा है, कि 90 का दशक दोबारा आ चुका है, लोग यंग जनरेशन ही पसंद करते हैं जी। तो किस मूड से आपने इसको बनाया है? एक्चुअली ये सॉन्ग जब मैं सुना तो प्लैनेट 9 जो है हमारा चैनल है, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग्स वो हमेशा से करते रहते हैं उनके।